भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी दूर आगे आ गई है। ये यात्रा बहुत ही मैं सक्सेसफुल मानती हूँ, मतलब सफल मानती हूँ। और शायद जहाँ 15-16 साल पहले मैं भोजपुरी संगीत की दुनिया से मेरा परिचय हुआ 2002-03 के आसपास, और उसी समय एक्चुअली 2003-04 से ही वापस एक जो कमबैक है भोजपुरी फिल्म का, तीसरी दौर उसको कहेंगे, ससुरा बड़ा पैसे वाला, एक अचानक एक नए युग की एक शुरुआत हुई। और कुछ वहाँ भी मनोज तिवारी जी थे, और आज भी ये कार्यक्रम में मनोज तिवारी जी से मैं बहुत दिनों बाद मिली। एंड सो अब मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अगर म्यूजिक से रिलेटेड हूँ, लेकिन अब अपने आप को मैं एक लाइक जिम्मेदार और सीनियर ये मैं रखती हूँ अपने आप को। मनोरंजन ठीक है, ऑफकोर्स ये अवार्ड्स हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट इसके अलावा बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक जैसे भोजपुरी अभी भी बोली है, भोजपुरी को भाषा की दर्जा अब तक नहीं मिली है संविधान में, ये एक राजनीतिक मसला बन के रह गया है, एक पॉलिटिकल हर पाँच साल में एक मुद्दा बनता है। सो मैं आई थिंक भोजपुरी भाषा आंदोलन की ज़रूरत है, और उस नाते हम लोगों ने मैंने एक गीत भी तैयार किया है, भोजपुरी भाषा आंदोलन गीत, या एज ए म्यूजिशियन मैं जो कर सकती हूँ, आई थिंक ये सब के बारे में सोचने की इस तरह की अवार्ड नाइट के साथ अगर वैसा एक पहलू जोड़ा जाए तो आई थिंक इसका मायने और कुछ अलग होगा। एक समाज को, हमारे भोजपुरी भाषाभाषी लोगों को, और ये जो पूरा भोजपुरी को लेके जो भी धूमधाम चल रहा है, ये सोचने वाली बात है कि अब तक क्यों भोजपुरी बोली है, अब तक क्यों इसको संविधान में वो मान्यता नहीं मिली। मैं तो सोचने लगी हूँ और मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ। सो ऐसे बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सब बातों को सोचना जरूरी। फैंस को भी मैं वही बात कहूँगी, अब भोजपुरी में सबसे अच्छी बात है कि जो कमर्शियल फिल्मों को, इंडस्ट्री को, सॉन्ग्स को जो चाहिए, जो TRP एक पॉइंट होता है हमारे भोजपुरी में, भोजपुरी बीट में ही वो बात है। सो उस नाते एक कदम आगे है। ऐसे बहुत, जैसे मुंबई से बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है और महाराष्ट्रियन मराठी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आसाम की असमिस फिल्म इंडस्ट्री आसाम से, गुवाहाटी से परिचालित होता है, कलकत्ता में बंगाली फिल्म, लेकिन भोजपुरी यूपी बिहार की बोली होते हुए भी ये परिचालित होता है जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई। सो ये पॉजिटिव पॉइंट्स में देखती हूँ। बाकी फैंस को मैं ये कहूँगी कि मही, अंगिका, बज्जिका, तमाम जो बोली है बिहार यूपी में, पूर्वांचल क्षेत्र में, उस सबके बारे में हर कोई अपने जिला की जो लोक भाषा है उसके बारे में भी सोचे। और मैं शायद सीरियस हो जाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, मैं उसके अलावा कुछ फेक नहीं कर सकती। भोजपुरी में साहित्य रचना कम है, इसलिए ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि जो आगामी जो पीढ़ी है उनको भोजपुरी भाषा से कोई मतलब नहीं है। भले ही भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन घर में बच्चे भोजपुरी बोलना भी धीरे धीरे भूल रहे हैं, या अंगिका मघी बोलना भूल रहे हैं। तो पाठ्यक्रम जो है ना, तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी प्री प्राइमरी में ही भोजपुरी कविताएं, भोजपुरी की साहित्य रचना में भी ध्यान दिया जाए। तो जो फैंस है, थोड़ा सा शायद ये लगे, बट फिर भी मैं यही बात कहना चाहूँगी कि मैं आपको गलत राह नहीं दिखा सकती।